हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट बायोकेमिस्ट्री अमीनो एसिड से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने एलेलिन का जो टॉपिक था, अमीनो एसिड था, उसको कवर किया था। ऑल्सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए आज हम नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखेंगे। एलिफेटिक आज जो है हमारा अगला वो ये एलिफेटिक ब्रांच अमीनो एसिड चेन। जो एलिफेटिक अनब्रांच चेन अमीनो एसिड थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ग्लाइसिन एंड एलेलिन। और आज जो है हम वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। तो एलिफेटिक ब्रांच चेन अमीनो एसिड में तीन अमीनो एसिड आते हैं। फर्स्ट वन इज वैलिन, सेकंड वन इज ल्यूसिन एंड थर्ड वन इज आइसोल्यूसिन। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड एनिमल ये जो होते हैं वो एनिमल में असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में आपने फर्स्ट पार्ट देखा है कि मैंने उसमें बताया कि अमीनो एसिड असेंशियल एंड नॉन असेंशियल होते हैं। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, हमें बाहर से इंटेक नहीं करना पड़ता, इसलिए हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो नॉन असेंशियल होते हैं। और असेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमें बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है या नहीं बनाती है। तो जो वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड है वो असेंशियल अमीनो एसिड है एनिमल के लिए। ठीक है, अल्फा कीटो एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड। एक एंजाइम है जो है अल्फा कीटो एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और जो कि इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये कौन से अमीनो एसिड है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड, अनब्रांच हमने देख लिए। तो ये वाला एंजाइम जो अल्फा कीटो एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। इफ दिस एंजाइम इज डिफेक्टिव द वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन इज इंक्रीज्ड ब्लड लेवल एंड देन वन डिजीज इज कॉल्ड इज मालप्यू यूरिन डिसऑर्डर। ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। तो अगर ये जो एंजाइम है अल्फा कीटो एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड है उनकी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करता है। इफ इन एनी केस अगर ये एंजाइम डिफेक्ट हो जाए, जो वैलिन और ल्यूसिन आइसोल्यूसिन में क्या करता है वो इंक्रीज कर देता है एकदम से ब्लड लेवल को, और एक डिसीज होती है, डिसऑर्डर है जो काउज करता है अगर इस एंजाइम में कोई डिफेक्ट हो जाए, जो वो होता है मालप्यू यूरिन डिसऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है डीबीटी जैसे एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वैलिन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ये ब्रांच इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन के साथ ये जो जैसे ये भी अल्फा कार्बन है कॉमन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इसमें जो चेन लगी होती है वो ब्रांच चेन है, इसलिए क्योंकि ये ब्रांच की फॉर्म में होते हैं। अनब्रांच जो थे वो ग्लाइसिन एंड एलेलिन थे। तो वैलिन के स्ट्रक्चर में CH3 ग्रुप लगा होता है और इसके कार्बन के साथ CH3 इस साइड एंड CH के साथ इस साइड भी CH का ग्रुप लगा होता है। वैलिन का जो एब्रिवेशन लिखते हैं वो भी ये L लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है V। ल्यूसिन इसमें भी कॉमन जो होता है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ CH2 और CH2 के बाद CH और इसके साथ दो CH3 ग्रुप लगे होते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, कई बार गेट के एग्जाम में देखा गया है बायोकेमिस्ट्री के, आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि कैसे ऑब्जर्व कीजिए ये स्ट्रक्चर किस चीज का, वैलिन का, ल्यूसिन का, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन किसका है। तो वो हम इस बायोकेमिस्ट्री सीरीज में हमने टॉपिक उठाया अमीनो एसिड। सारे अमीनो एसिड को डिस्कस करने के बाद एंड में मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें हर एक जितने भी क्वेश्चन आज तक गेट में, डीबीटी में, CSR नेट में या किसी भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको डिस्कस बताऊंगी और पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गेट का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी ये क्वेश्चन फेस किया कि डायरेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर दे दिए गए थे और नीचे उनके ऑप्शन दे दिए कि बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, चाहे रट लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आइसोल्यूसिन में जो होते हैं अल्फा बीटा, ये जो है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड डेल्टा कार्बन।
आइसोल्यूसिन में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के साथ भी चेन लगी। जो आइसोल्यूसिन होते हैं उसमें टू काइरल सेंटर होते हैं। काइरल सेंटर क्या होते हैं मैंने अपने फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको समझा दिया है, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। तो जो आइसोल्यूसिन एंड दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एक आइसोल्यूसिन एक थ्रोम्बिन जो हम आगे पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है कि हर एक में एक एक काइरल सेंटर होता है, पर आइसोल्यूसिन एंड थ्रोम्बिन में टू काइरल सेंटर होते हैं। मींस अगर दो काइरल सेंटर है तो इसमें स्टीरियोमेयर्स जो होते हैं वो फोर बनेंगे। ठीक है, इतना था इनके बारे में। जो अनब्रांच चेन थे उनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उनकी थोड़ी बहुत जो मैंने आपको एंजाइम बताया, एंजाइम के बारे में बताया, एंजाइम से कौन सी डिसीज होती है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये लर्न करिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कौन से ब्रांच्ड है कौन से अनब्रांच्ड है। तो पूरे अमाइनो एसिड की सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो मैं एंड में आपको एक टेबल की फॉर्म में ये सारा चार्ट प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।